Welcome to my channel. In this video, we will see 5 easy and natural ways to increase oxygen level. इस वीडियो में हम जानेंगे 5 आसान तरीके जिससे हम हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं. प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. स्टेप 1, चेंज इन डाइट फूड ईटिंग हैबिट्स. हमारे ईटिंग हैबिट्स, खाना खाने का तरीका और खाना दोनों भी चेंज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. से नो टू जंक फूड. जंक फूड को ना कहें. एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. सो हमें ऐसे फूड को कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स मिले. तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है. ब्लूबेरीज, रेड किडनी बीन्स, आर्टिचोक हर्ब्स. स्ट्रॉबेरीज, सोया बीन्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स. आइए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 2, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए. ड्रिंक वाटर, हाइड्रेट योर सेल्फ. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वाटर, पानी हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे सेल्स को ग्रो करने के लिए अलाउ करता है, साथ में ऑक्सीजनेशन के बेनिफिट्स भी हमको देता है. सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. स्टेप 3, चेंज योर ब्रीदिंग. सांस लेने का तरीका चेंज करना. प्राणायाम और लंग्स का एक्सरसाइज करने से हमें काफ़ी मदद हो सकती है. ब्रीदिंग यूजिंग अपर चेस्ट एंड इनहेलिंग मोर एयर विल रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल. द करेक्ट मेथड टू इम्प्रूव ऑक्सीजन लेवल इज ब्रीथ स्लोली फ्रॉम द डायफ्राम थ्रू नोज. नाक से धीरे धीरे सांस लेकर मध्य छत तक लेना. इसमें आपको विलोम अनुलोम भी काम आ सकता है. माना जाता है कि प्रोन पोजीशन, ऊपर दिखाए हुए चित्रों में जैसे किया है उसे प्रोन पोजीशन कहते हैं. प्रोन पोजीशन से ऑक्सीजन लेवल काफ़ी मात्रा में इम्प्रूव होता है. स्टेप 4, एक्सरसाइज वॉक एरोबिक्स योगा. बी एक्टिव. एरोबिक एक्सरसाइजेस करने से या सिंपल वॉकिंग करने से हमारे बॉडी ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करता है एंड हमारे बॉडी के वेस्ट को रिमूव करता है. इसलिए 30 मिनट्स वॉकिंग करना ज़रूरी है. नेक्स्ट स्टेप, क्लींस द एयर. मेक श्योर दैट यू ब्रीथ प्योर एयर. द एयर वी ब्रीथ मस्ट बी प्योर. अगर आप कहीं ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर प्योर एयर पॉसिबल नहीं है, एयर कंटैमिनेटेड है, सो आप मार्केट में जो अवेलेबल है एयर प्योरीफायर्स वो यूज़ कर सकते हो. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बीज वैक्स कैंडल्स यूज़ कीजिए. अन्य कैंडल्स की तरह बीज वैक्स कैंडल्स स्मोक एमिट नहीं करते, स्मोक धुआं नहीं छोड़ते, और बीज वैक्स कैंडल्स निगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है जिससे एयर का पोल्यूशन रिमूव होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.